देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास विकसित होता हुआ एनसीआर। एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद व दिल्ली के कंक्रीट के जंगलों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि गुरुग्राम व फरीदाबाद के बीच नंदनवन के समान सघन वन भी हो सकता है। घोषगढ़ फिल्म्स की ये टीम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करती है, इसलिए हर वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। गुरुग्राम व फरीदाबाद हाईवे पर लगे कूड़े के इस विशाल पर्वतनुमा ढेर को देखकर यह सोचना भी कठिन है, यह अनुमान लगाना भी कठिन है कि इसके नजदीक ही एक ऐसा इलाका भी है जो कि पूर्णतः शांत है और सैकड़ों प्रकार के पशु पक्षियों व वन्य जीवों का आश्रय स्थल है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे स्थान की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जो कि धार्मिक भी है, ऐतिहासिक भी है और प्राकृतिक रूप से पूरे दिल्ली व एनसीआर की जान है और अरावली की गोद में बसकर भी अरावली की शान है। मनगढ़ अर्थात प्रकृति के द्वारा मन से गढ़ा हुआ, मन से रचा हुआ, मन से बनाया हुआ और मन से बसाया हुआ। मनगढ़ शब्द ही अपभ्रंश की मार झेलकर पहले मनगर हुआ और अब मांगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गुरुग्राम के इफको चौक से 22 और फरीदाबाद से 20 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच लगभग 700 साल पहले आबाद हुआ मांगर गांव अपने आंचल में स्थित मांगर वन के कारण प्रसिद्ध है। मांगर वन अत्यंत प्राचीन सघन वन है जो कि मांगर व बंदवाड़ी के बीच मांगर घाटी में लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। इस वन में पेड़ों की 40, झाड़ियों की 60, पक्षियों की 230 तथा वन्य जीवों की 30 से 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। देखो, अगर मांगर की बात करें तो मांगर अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है। करीब 3200 एकड़ से ज्यादा एरिया जो है गैर मुमकिन पहाड़ का है। अगर हम जंगल को कैटेगराइज करें तो यहाँ पे तीन कैटेगरी बन जाती हैं। एक मांगर बनी वाला एरिया है, दूसरा ओपन फॉरेस्ट वाला है, तीसरा PLPA वाला है। तो PLPA जो है वो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट में जो गवर्नमेंट ने बंद किया था उसमें ज़्यादातर विलायती की कर है, लेकिन अब कुछ पिछले 2-3 साल में जो प्रोटेक्शन पे जोर दिया है तो उससे नेचुरल जो स्पीशीज हैं वो दोबारा से आने लगी हैं। ओपन फॉरेस्ट वो है जहाँ से लोग अपने जो सर्वाइव करने के लिए फॉडर वगैरह वो कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे नेटिव जो स्पीशीज हैं उनकी काफ़ी प्रजातियाँ हैं, पर वो मतलब घुटी हुई झाड़ियाँ टाइप में है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है। और तीसरी एरिया है मांगर बनी का जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। तो अगर यहाँ की प्रजातियों की हम बात करें तो यहाँ पे धौ, ढाक, पसेंदू, चुड़ैल पापड़ी, रौंज, खैर, कुमठा, वो कृष्णा कदम और बड़, पीपल, गूगल सालन, इस तरह की जो रेयर जो प्रजातियां जो बाकी की आसपास के एरिया में जो अरावली में अभी ख़त्म हो गया है उसके अच्छे पेड़, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। अलग तरह की वाइल्ड लाइफ यहाँ दिखती है, खासकर यहाँ पे लेपर्ड, हाइना, जैकल और फॉक्स, हनी बेजर, आपका जंगली सुअर, पॉर्क्यूपाइन, मम्मल की करीब 13-14 स्पीशीज यहाँ पे दिखती हैं।